पीलीभीत परिक्षेत्र की किसान सहकारी चीनी मिल चंपरोड़ा नगर का 2023-24 का नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। किसान सहकारी चीनी मिल के परिसर में डोगे के समीप बने हवन कुंड के सामने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक महोदया विनीता सिंह ने मुख्य गन्ना अधिकारी उदय भान सिंह, गन्ना विकास समिति चंपरोड़ा नगर खीरी के सचिव सत्येंद्र सिंह, गन्ना विकास समिति चंपरोड़ा नगर खीरी के SDI राजेश सिंह, SDHP के कमांडेंट पराग सरकार, पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, दिलावर सिंह, इंद्रदीप सिंह बटन, जिला पंचायत सदस्य तरसेम सिंह, बीजेपी के नेता मनीष सहनी, लाली डायरेक्टर निशा सिंह समेत चीनी मिल के अधिकारियों में मुख्य अभियंता तथा मुख्य रसायनविद तथा किसानों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की। पूजा अर्चना पंडित उत्तम कुमार तथा सुरेश कुमार के द्वारा कराई गई। पूजा अर्चना के बाद चीनी मिल प्रधान प्रबंधक ने बैलगाड़ी कांटे का फीता काट कर तथा नारियल फोड़ कर सबसे पहले बैलगाड़ी से गन्ना लाने वाले मुन्नी देवी ग्राम सिंघाई खुर्द के नाम की पर्ची पर गन्ना लेकर आए हुए किसान के बैलों को चना गुड़ तथा चोकर खिलाने के साथ ही किसान को साल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको हमने कहा था हमने पे बैठ जाएंगे यहाँ पर, आपको लिखे थे कल का हमारा है, हमने बैठेंगे यहाँ पे। एक किसान को मन लो जो एक महीने की तनख्वाह के लिए क्या फायदा हुआ यहाँ पे, पत्ती जलाना हमको बंद है, दो ट्राई लाना हमको बंद है, गेहूँ हम नहीं बो पाएंगे। सर आपको 4 महीने का रिपेयरिंग के लिए समय मिलता है, उसके आपने क्या किया था? हेलो सर, सर जवाब दीजिए इधर, सर जी जवाब दीजिए इधर। सर जी, जो 4 महीने आपको रिपेयरिंग के लिए मौका मिलता है, समय मिलता है, उसके आपने क्या किया? सर आप बताइए, किसान परेशान है, किसान गेहूँ नहीं बो पाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं, मिल को जल्दी जल्दी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, सब काम पे लगे हुए, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, टीम हमारी पूरी मेहनत कर रही है, और यथा से जैसे हमको रोलर मिल जाता है उसके आधे दिन लग के 12 काम पूरा कर जितना संभव होगा जल्दी चलाएंगे। सर आज चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ है, आप व्यवस्थाओं के बीच में है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे आज से 23 तारीख को हम लोग पहले इनको एक ज्ञापन दे के गए थे कि अगर आपकी फैक्ट्री तैयार है तो फैक्ट्री को चलाना, उद्घाटन करना, वरना उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हम 29 तारीख को फैक्ट्री चला देंगे, आज उद्घाटन इन लोगों ने किया 5 फानी गन्ना हाथ से गिरा के। आज तक 39 साल में कभी ऐसा उद्घाटन नहीं हुआ जैसा उद्घाटन आज हुआ। किसान को पहले 24 तारीख का इन लोगों ने गन्ना चलाने के लिए कहा, फैक्ट्री तैयार है, उसके बाद 28 का 29 को इन लोगों ने उद्घाटन कर दिया, ना किसी को पर्ची दी गई, ना हमारी फैक्ट्री चली है, ना हमारे रोले आए हैं। इनके पास अगर फेडरेशन खा गया इनको, अगर फेडरेशन को पैसा नहीं था तो किसान को बताते, हम अपने बीवी बच्चों के कण के कुंडल बेच के इनको पैसा देते कि राइट टाइम इनकी फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमारी ये फैक्ट्री माँ है, इसी के हाथ से हम जीते हैं, लेकिन हमारे साथ बेगुनाह किया गया है। क्यों किया गया है, इन लोगों ने क्यों उद्घाटन किया कि 1 महीने की तनख्वाह इनको मिल जाएगी, इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको गाड़ियां फ्री मिली हुई हैं, आ इन लोगों को फैक्ट्री को लेना देना नहीं है, जो फैक्ट्री घाटे में गई है वो फैक्ट्री कर्मचारी अधिकारी खाए हैं, किसान नहीं खाया, अगर जो फैक्ट्री खड़ी है किसान की खड़ी है ये, बाकी सरकार के अधिकारी अपना हिस्सा बेच के खा चुके हैं। इस बार तो किसान गेहूं की बुवाई भी नहीं कर पाएंगे सर, इसके बाद क्या किसान का टाइम तो निकला, उसके बाद पत्ती की उसके बाद और लगा दी है कि पत्ती नहीं फूक पाएंगे, जो कि पत्ती का प्रदूषण नहीं होता है, पराली का प्रदूषण होता है, पराली हम लोगों ने फूकी नहीं है, कैसे किया कैसे नहीं किया हम लोग को एडजस्ट कर लिए हैं, पत्ती का ढोंक दिए हैं, उल्टा इन लोगों ने कहा सिंगल ट्राली आएगी वो भी हमारे किसान के ऊपर ढोंक दिया है, और उसके बाद दिसंबर आ गया कि हमारी फैक्ट्री चली नहीं है। सुचारू रूप से फैक्ट्री कब चलने का दावा किया? हाँ, ये 6 तारीख को कह रहे हैं, हमको उस दिन कहा था कि 30 तारीख को पूरी फुल फैक्ट्री अभी रनिंग में होगी। अगर 30 को फैक्ट्री नहीं चलती है तो कुछ आप लोग क्या करेंगे? तो हम तो धरने में बैठेंगे, हम लोग बैठ गए, हम धरने में बैठ गए, आज से बैठ गए। आपकी चीनी मिल प्रबंधक से कोई बात हुई है, उन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया है क्या? हम चीनी मिल प्रबंधक को ही लिखित दे के गए थे, हम करीब 15-20-25 आदमी आए थे जो हम इनको पहले लिखित बहन जी को दे गए थे, इन लोगों ने कहा कि 29 को उद्घाटन करेगा और 30 को फैक्ट्री चल जाएगी रनिंग में। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? रणनीति है कि हम लोग धरना में बैठेंगे, सकते हैं हम लोग, और क्या रणनीति क्या?
विरोध क्या करेंगे? मरी सकते हैं यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते। विरोध करें क्या, किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अभी ग्रेजुएट पे करना जा रहा है, चल गई, बाकी सारी फैक्ट्रियां चल गई, एक महीना हो गया, हमारी सरकारी फैक्ट्रियां क्यों नहीं चली? क्या यहाँ मुख्यमंत्री का दबाव नहीं है या प्रधानमंत्री का दबाव नहीं है या यहाँ पे अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं? हर साल जो आप लोगों को जो है गन्ना सप्लाई करने की सप्लाई पर्ची मिलती थी, वो मिल चलने से कितने दिन पहले मिलती थी? एक हफ्ता पहले मिलती थी। अभी तक आप लोगों को कोई भी पर्ची सप्लाई कोई पर्ची नहीं हम लोगों को मिली है और मिल का उद्घाटन कर दिया गया। मिल का उद्घाटन कर दिया गया है। उद्घाटन वाले दिन रिपेयरिंग कार्य चल रहा है, अक्टूबर अक्टूबर को गन्ना बोया जा रहा है, उसका हम ब्याज झेलते हैं। बीज का